मॉर्निंग स्टूडेंट, अभिनय निकेतन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन जाइए। आज मैं आपको संस्कृत का पाठ एक प्रथम पाठ शब्द परिचय इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपका रिव्यू वीडियो है जिसमें आपको इन सब चीजों के बारे में वापस एक्सप्लेन किया गया है। स्वर स्वर क्या होता है? अ आ ई ई ऊ ऊ ऋषि, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अभी देखिए शब्द परिचय में सबसे पहले आपको पिक्चर दी है, पिक्चर के नीचे आपको उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखा गया है। अश्व, अश्व ने घोड़ा, घोड़े को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अश्व। आम्रम, आम्रम को आम। इष्टिका, इष्टिका को ई। भगवान, भगवान को ईशा बोलते हैं, ठीक है। ऊंट, ऊंट को उष्ट्र। ऊंट, ऊंट को ऊना। ऋषि को ऋषि। हिरण, हिरण को एनम। इंद्रजालिका, इंद्रजालिका मतलब जादूगर। तो ये मतलब आपको क्या है संस्कृत में किन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इसके पिक्चर आपको दिए गए हैं और साथ ही आपको इसके नाम लिखे गए। ओष्ठो, ओष्ठो ने ओट। औषधम, औषधम मैंने औषधि। अब ये तो सब क्या हो गया, अ से लेके ऋषि तक व्यंजन स्वर हो गए। अब व्यंजन आपको क्या देंगे, क से लेके क्या था? पहला आएगा कमलम, क्या आएगा? कमलम। ख से आएगा खड़ग, क्या आएगा? खड़ग। ग से गणेश, घ से घटा, ग से गंगा, ठीक है। च से चक्रम, छ से छत्रम, ज से जलयानम, झ से झरफ, च से चंचू, चंचू ने चोंच, ट से टंकण यंत्र, टंकण यंत्र मैने टाइपराइटर, ठ से ठटका, ड से डमरू, ढो से ढोला, ब से बाणा, त से तरु, ख से पहाड़, द से दर्पण, ढ से धनु, न से नरेश, प से पर्ण, फणी, फणिया ने नाग, बकार ने बगुला, भल्लूकार ने भालू, मयूरा ने मोर, यज्ञ ने यज्ञ करना, रथा ने रथ, लड्डू ने लड्डू, वटह, वटह ने बरगद, शशक ने खरगोश, षटपाद ने छह पैर वाला, सर ने सरोवर, हलम ने हल। अब संयुक्त व्यंजन आपने लिखा नीचे, संयुक्त व्यंजन भी होते जो दो व्यंजन से मिलकर बने होते, क्षत्रिय, त्रषम और ज्ञानी, क्षत्रज्ञ। ये क्या आपके संयुक्त व्यंजन है। अब जैसे आपको क्या आया फिर चित्र देखकर नाम लिखना है, आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, चित्र देखकर नाम लिखना है। आपका सेकंड क्या है? कमलम, ठीक है। फिर क्या है? खड़ग, फिर घटा, फिर छत्रा, फिर उष्ट्र, फिर एणा, धनु, आम्र, ढोला, ऋषि, गणेश, ओष्ठो, सरह, मयूर, बकह, फणी, रथ। ये सब क्या है आपको इसके नाम लिखना है। ठीक है, तो मतलब ये जो आपका पहला चैप्टर है स्वर का, जिस बच्चों ने नहीं पढ़ाया जो लेट ज्वाइन में, उसमें क्या करना है आपको, अ से लेकर आ तक क्या, ऋषि तक क्या आपके स्वर है, व्यंजन क्या है, क से लेकर ज्ञा तक, और संयुक्त व्यंजन तीन आते हैं, छत्र, ठीक है। ये तीन आपको संयुक्त व्यंजन है। फिर आपके एक्सरसाइज में क्या है, आपको चित्र देखकर उसके नाम लिखना, नाम हिंदी में नहीं लिखना बल्कि संस्कृत में लिखना है। तो मैं आज आपको पहला चैप्टर का रिव्यू वीडियो है, कल मैं आपको सेकेंड थर्ड जितने भी चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं उन सबका आपका रिव्यू वीडियो दूंगी और आपको उसके क्वेश्चन सर भेज दूंगी, ताकि जिन बच्चों जो लेट ज्वाइन हुए हैं, जिन बच्चों के पास डिलीट हो गए, बच्चे से वापस से कर सकें।